अपने घर में बहुत सारे ग्रीनरी ऐड करना बहुत ज्यादा पसंद है एंड आपको भी ऐसा लगता है कि अगर उस ग्रीनरी के साथ कुछ कलरफुल एलिमेंट्स ऐड कर दिया जाए तो वो आपके प्लांट की ब्यूटी को और थोड़ा एनहांस करता है। वैसे तो ग्रीनरी इनफ होता है घर को डेकोरेट करने के लिए, ब्यूटीफुली स्टाइल करने के लिए, बट अगर उसके साथ कुछ कलरफुल प्लांटर्स हो जाए तो वो ब्यूटी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएट कॉसम थिंग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्लांटर आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो आप बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल से क्रिएट कर सकते हैं एंड बहुत ही इजीली एंड क्विकली भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके आउटकम्स। आई होप ये सारे आइडियाज आपको बहुत ही पसंद आएंगे और आप इन सारे को रिक्रिएट भी करोगे। बट बिफोर मूविंग ऑन टू द वीडियो, यू नो व्हाट यू नीड टू डू। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक सेकंड लगेगा, सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करना सो दैट आगे की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड चेक आउट द ब्यूटीफुल आउटकम्स। टू बिगिन विद द फर्स्ट वन, यहाँ पे मैंने लिया है इस तरह का एक फ्लोर क्लीनर का बॉटल। इस तरह का बॉटल हर किसी के पास होता है और अगर आपके पास इस पर्टिकुलर शेप का बॉटल नहीं है तो भी नथिंग टू वरी, आप कोई सा भी शेप का बॉटल भी ले सकते हो एंड इस तरह से उसको डिज़ाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इन दोनों साइड से कट करूँगी, बट यहाँ पे एक साइड का विंडो मैं थोड़ा बिग रखूँगी एंड दूसरे साइड में विंडो थोड़ा मतलब छोटा रखूँगी, क्योंकि जब आप इसको हैंगिंग प्लांटर बनाते हो या कोई सा भी प्लांटर आप बनाओ, चाहे आप उसको टेबल पे प्लेस करो या हैंगिंग बनाओ, तो प्लांट को अगर सपोर्ट मिलता है थोड़ा सा तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो इसलिए एक तरफ से आप देखो यहाँ पे मैंने काफ़ी मतलब बेस कम रखा है एंड दूसरी तरफ से थोड़ा हाइट इसको रखा है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं बहुत सारे कार्डबोर्ड के पीसेस इस तरह से कट कर लूँगी एंड इसके बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या करना है। तो यस, यहाँ पे सारे को पेस्ट करना है, तो सिंपली मैं फेविकॉल से ही पेस्ट कर रही हूँ एंड ये सारे शेप्स भी आप देख सकते हो रैंडम ही शेप्स है, मतलब जैसा मन वैसा मैंने यहाँ पे कट कर दिया है एंड उन सारे को पेस्ट करके एंड अच्छे से ड्राई होने दूंगी। ऑल्सो यहाँ पे मैंने कई सारे इस तरह के लीव्स एंड फ्लावर्स भी कट कर दिया है एंड उन सारे को भी पेस्ट कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं टिश्यू पेपर का एक कोट करूँगी सो दैट जो प्लास्टिक का एरिया है, जैसे कि इसके हैंडल पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे टिश्यू पेपर का कोट रहेगा तो वो बेटर है एंड इनफैक्ट जितने भी कार्डबोर्ड्स हैं उन सारे के एजेस को भी हाइड करना था, तो इसलिए इस तरह से टिश्यू पेपर को सिंपली ग्लू एंड वाटर के हेल्प से यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूँगी। जब ये भी बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए तब हम इसके नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सारे टिश्यू पेपर बहुत ही अच्छे से पेस्ट हो। लाइक अगर इसके नेक्स्ट वाला स्टेप अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों आपको टिश्यू पेपर अच्छे से ड्राई करना है एंड पूरे में कवर करना है। तो देखो यहाँ पे ये अच्छे से ड्राई हो गया है, अब इसके ऊपर मैं यूज़ करने वाली हूँ वॉल पुट्टी। तो वॉल पुट्टी को सिंपली मैंने वाटर के साथ मिक्स किया है इस कंसिस्टेंसी में सो दैट मैं इसको ये ब्रश के हेल्प से अच्छे से इसके ऊपर अप्लाई कर सकूँ। अगर आप थोड़ा इससे ज़्यादा थिन भी रखना चाहते हो सॉल्यूशन तभी भी नॉट अ प्रॉब्लम, आप दोबारा इसके ऊपर जब एक कोट ड्राई हो जाए तो उसके ऊपर आप यूज़ कर सकते हो, बट ये पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है तो इससे वन कोट से ही बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। अब इसको भी बहुत अच्छे से ड्राई करना है, यहाँ पे देखो ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है एंड अब मैं इसको पूरे को ब्लैक पेंट से पेंट करूँगी। तो यहाँ पे मैं एक्रेलिक पेंट्स का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो आप चॉक पेंट का भी यूज़ कर सकते हो एंड ये बहुत ही इजी है, लाइक इससे आप बहुत ही क्विकली आप ये वाला DIY बना सकते हो एंड इनफैक्ट ये एक बहुत ही विंटेज काइंड ऑफ एक लुक देगा आपके प्लांटर को। तो यहाँ पे पूरे को ब्लैक करने के बाद जब वो कोट भी अच्छे से ड्राई हो गया है तो उसके ऊपर मैं यहाँ पे ब्राउन का एक कोट दे रही हूँ, क्योंकि ये मेरे पास फिलहाल जो ये ब्राउन है ये काफ़ी डार्क है, तो इसलिए आपको यहाँ पे कैमरा में उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, बट सामने से मैंने इसके ऊपर और भी थोड़े से येल्लो को भी बाद में मिक्स किया था सो इसके वजह से ये ब्राउन थोड़ा लाइट हो गया था, बट अभी फ़िलहाल ये काफ़ी ज़्यादा डार्क ही लग रहा है। तो इन सारे को भी मैं एक के बाद एक कोट देते रहूँगी एंड सारे को एक के बाद एक हम ड्राई भी करेंगे, तो ये जब ड्राई हो जाए तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। Thank you.
यहाँ मैंने लीव्स एंड फ्लावर्स के जो स्टिक किए थे उन सारे को मैं पेंट कर दूंगी। एंड क्योंकि इसका बेस काफ़ी ज़्यादा डार्क है तो इसलिए मैंने यहाँ पे वाइट फ्लावर्स ही चूज़ किया है। तो आप चाहो तो आप कुछ और भी डिज़ाइन कर सकते हो, लाइक लीव्स एंड फ्लावर्स ही आपको बनाना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप चाहो तो आप कोई भी विंटेज में जैसे कीज हो गया या लॉक पैटर्न हो गया या कोई भी डिफरेंट लाइक ओल्ड कॉइन्स का मोटिव हो गया, तो इस तरह के भी आप बना सकते हो। पहले भी मैंने बॉटल एंड मिरर बहुत सारे इस तरह के विंटेज वाले DIYs क्रिएट किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहो तो उसको चेक कर सकते हो। एंड वो वाले डिज़ाइन भी इस तरह के प्लांटर में आप बना सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। एंड ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखना बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा कि एक बॉटल से आपने इतना ब्यूटीफुल एक प्लांटर क्रिएट किया है। तो यहाँ पे सारे कलर्स को बहुत अच्छे से ब्लेंड करने के बाद जब ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है तो इसके ऊपर मैंने व्हाइट जेल पेन से इस तरह के कुछ पैटर्न्स बना दिए हैं। एंड हियर्स द फाइनल आउटकम, देखो ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है एंड आई होप ये आपको भी उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पे मैंने लिया है इस तरह का एक घी का टिन, तो ये घी का टिन आप देख सकते हो काफ़ी पुराना है एंड इस तरह के टिन हर किसी के पास होता ही है, तो इसके आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ों में आप इसे यूज़ कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे आज एक प्लांटर बना रही हूँ तो डायरेक्टली इस पे मैं पेंट नहीं करूँगी बिकॉज ये टिन है तो इसके ऊपर भी हमें जेसो का अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जेसो का एक कोट देने के बाद जब वो बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है तो इसके ऊपर मैं वाइट एक्रिलिक पेंट से इसको पेंट कर दूंगी। एंड इसको मैं काफ़ी सिंपल ही रखूंगी क्योंकि ये मैं जहाँ पे प्लेस करने वाली हूँ तो वहाँ पे ऑलरेडी इस थीम का एक मतलब क्राफ्ट मैंने प्लेस किया है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसको भी सेम थीम पे ही रखूँ। तो आप चाहो तो आप डिफरेंट डिजाइंस भी इसमें बना सकते हो, बट ये पर्सनली अभी मुझे ऐसा ही चाहिए था तो मैं ये आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये काफ़ी क्विक भी है, लाइक विद इन 2 to 3 minutes ही आपका ये DIY बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो इस तरह से मैंने जब ये पेंट ड्राई हो गया है तो इसके ऊपर मैं ये जूट का रोप यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी ऑन द टॉप एंड बॉटम एंड इवन सेंटर पे भी। एंड बस ये इतने में ही आप इसके ऊपर कुछ भी पेस्ट कर सकते हो, आप मैगजीन की कटिंग्स पेस्ट कर सकते हो, आप इसके ऊपर कुछ भी एम्बलिशमेंट्स जो भी अगर आपके पास है आप वो सारे भी पेस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से सेंटर पे भी आप बिना रोप यूज़ किए आप सेंटर पे कुछ भी पेंट भी इनफैक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे देखो इस तरह से सेंटर पे भी मैंने जूट रोप को पेस्ट कर दिया है। एंड जब ये अच्छे से ड्राई हो गया है तो इसके ऊपर मैं इस तरह से एक रैपिंग पेपर का कटिंग लेके लाइक जैसे पहले ही बताया कि इस तरह का एक ऑलरेडी DIY मैंने वहाँ पे प्लेस किया हुआ है तो मुझे इसी थीम पे चाहिए था, तो इसलिए मैंने यही सेम के कटिंग्स लिए हैं। एंड इसको इस तरह से सिंपली पेस्ट कर दूंगी एंड थोड़े बहुत और डिटेलिंग्स मैं इसमें ऐड करूंगी तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब ये क्योंकि टीन का है तो यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ कि इसमें आप डायरेक्टली वाटर डाल के एंड प्लांट आप नहीं रखो या फिर आप सॉइल डाल के प्लांट नहीं रखो बिकॉज टीन है तो रस्ट लग जाएगा, आपका DIY खराब हो सकता है। तो इसलिए इसके अंदर आप कुछ और प्लांटर में ही आप अपने प्लांट को प्लेस कीजिए। तो देखो यहाँ पे ये इतना सिंपल है, क्विक है, विद इन 2 to 3 minutes ही ये बन के रेडी हो गया है। सो आई होप ये सिंपल आइडिया भी आपको बहुत पसंद आया है, इसका आउटकम भी आपको बहुत पसंद आया। Thank you.
मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, तो यहाँ पे मैंने लिया है इस तरह का एक पेंट का डब्बा, तो इसके ऊपर सिंपली मैं एक पेपर पेस्ट करने वाली हूँ। तो ये एक रैपिंग पेपर है। इस तरह के रैपिंग पेपर्स अगर आपके पास डिफरेंट कलर्स के पैटर्न्स के होंगे तो आप इससे बहुत सारे DIYs बना सकते हो। लाइक आपने अगर डिकोपाज पेपर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहा है तो दिस इज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू दैट। आप कोई सा भी अगर डिकोपाज पेपर लेने जाते हो तो वो कभी कभार थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, या अगर आप क्राफ्ट पेपर लेना चाहो तो उससे वो तो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है। तो इस तरह के रैपिंग पेपर्स जो होते हैं ये बिल्कुल ही सस्ता टिकाऊ काइंड ऑफ थिंग है। तो आप 20 rupees में इस तरह का आपको मिल जाएगा एंड इससे आप कई सारे DIYs बना सकते हो। इनफैक्ट ये आप डिफरेंट में अगर यूज़ करते हो तो आपके पास एक पूरा कॉर्नर में आपने जितना भी प्लेस किया हो आइटम्स वो सारे को भी आप सेम थीम पे भी रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं वही करने वाली हूँ। तो इस तरह से मैंने इस रैपिंग पेपर को सिंपली इस बॉक्स के ऊपर, मतलब ये डब्बा के ऊपर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। तो ये इतने में ही कंप्लीट है। पूरे में चाहो तो पूरे में भी कर सकते हो, तो ये कोई और भी डिज़ाइन चाहो तो कर सकते हो, बट मुझे यहाँ पे इस तरह का एक रस्टिक लुक वाला चाहिए था जो बहुत ज़्यादा लाइक ब्राइट ना हो, बहुत ज़्यादा एकदम गॉर्जियस काइंड ऑफ ना हो, तो इसलिए मैंने ये पर्टिकुलर पेपर ही चूज़ किया है। तो यहाँ पे इसको सिंपली मैं इसके ऊपर एंड नीचे बेस पे पहले मैंने फेविकॉल अप्लाई किया, देन इस पेपर को पेस्ट किया एंड देन ऊपर से अगेन एक कोट ऑफ फेविकॉल मैंने ऐड किया है एंड नीचे से भी थोड़ा एक्स्ट्रा रख के उसके कटिंग्स में इस तरह से उसको कट करके एंड देन सारे को पेस्ट कर दूंगी एंड अच्छे से सील कर दूंगी। तो ये तो बहुत ही क्विक है एंड बिल्कुल ही आपका प्लांटर ये तो विद इन 1 minute ही आपका क्रिएट हो जाएगा। इस तरह के आप बॉटल में भी कर सकते हो, आप किसी में भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छा दिखता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। विद इन सेकेंड्स अगर आपको लास्ट मोमेंट में भी ऐसा कुछ DIY से किसी कॉर्नर को डेकोरेट करना है तो भी आप इस तरह से कर सकते हो। तो देखो ये कितने क्विकली ये पेस्ट हो गया और बहुत जल्दी ये ड्राई भी हो गया है। अब इसके जितने भी अनइवन एजेस थे तो उन सारे को भी थोड़ा सा ट्रिम कर दूंगी सो दैट ये कंप्लीट प्रॉपर लुक आए। तो इसको कट करने के बाद ये इसका जो ऊपर का पोर्शन है ये वाइट वाला जहाँ पे मैंने पेपर पेस्ट नहीं किया है तो इसको मैं पेंट कर दूंगी सो दैट ये पूरा एक कंप्लीट लगे। लाइक ये पेपर आप देख सकते हो थोड़ा सा लाइट कलर का है तो इसलिए इसके ऊपर में मैं यहाँ पे थोड़ा डार्क कलर से पेंट करूंगी सो दैट ये एक मतलब एक कंप्लीट लुक लगे। तो यहाँ पे इस तरह का ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर से मैं इसे पेंट करूंगी एंड थोड़े थोड़े से इसमें गोल्डन कलर को भी मैं, जब ये ब्राउन कलर ड्राई हो जाए बहुत अच्छे से, उसके ऊपर थोड़े से गोल्डन कलर का भी एक शाइन देना चाहती थी तो इसलिए थोड़े से गोल्डन कलर को टैप कर दिया है एंड देन ये कंप्लीट है। तो इतना इजी सा DIY आपको भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो अगर आप ट्राई करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने कौन सा DIY इन सारे में से ट्राई किया है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट 2 DIYs जिसके लिए मुझे एक ही बॉटल की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे मैं इस बॉटल को सेंटर से कट कर लूँगी इनटू हाफ क्योंकि इसका प्रोपोर्शन मुझे ऐसा ही रखना था, लाइक हाइट मुझे दोनों का ही एकदम बराबर काइंड ऑफ चाहिए था तो इसलिए मैंने सेंटर से इसको कट कर लिया है एंड देन इसके जितने भी स्टिकर्स वगैरह है इन सारे को मैं रिमूव कर दूंगी एंड इसको तो अच्छे से क्लीन भी कर देंगे और एजेस अगर थोड़े से अनइवन है तो उन सारे को भी मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पे पहला जो बनाने वाली हूँ ये इजीएस्ट है, इससे सिंपल आपने कोई सा भी DIY नहीं देखा होगा। तो यहाँ पे सिंपली मैंने एक छोटा सा इस तरह का लाइक इसके अकॉर्डिंग ये जो बॉटल का साइज़ है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक छोटा सा इस तरह का बाउल लिया है। ये तो सबके पास ही होता है, ये फूड डिलीवरी में जो आता है ये वही है
एंड इसके मैं इसके बाहर को कवर कर दूंगी ये जूट रोप से। तो ये पूरा DIY में सिर्फ जूट रोप ही आपको पेस्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है। एंड ये इतना यूनिक एक प्लांटर निकल के आएगा, वो आप इसके फाइनल आउटकम में देखना कि इतना यूनिक काइंड ऑफ एक प्लांटर भी बन सकता है, वो भी एक सिंपल से बॉटल से एंड एक छोटा सा डब इस तरह का बाउल से, ये आपने कभी भी इमेजिन नहीं किया होगा। तो आई होप ये वाला यूनिक आइडिया आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया हो, क्योंकि इस तरह के प्लांटर अचानक से मुझे लगा कि इस तरह के जो केक रखने का होता है तो वैसा अगर एक प्लांटर बनाया जाए तो क्यों ना वो ट्राई करते हैं, देखते हैं कि उसका आउटकम कैसा आता है। तो इसको ऊपर का जो बॉटल का कैप था उसको रिमूव कर दिया सो दैट प्लांट को थोड़े से एयर भी मिले एंड देन ये बहुत अच्छे से ग्रो भी करे। तो आई होप ये सबसे अच्छा आपको लगा हो एंड इसके लिए तो एक लाइक ज़रूर बनता है। एंड नाउ फाइनली मूविंग ऑन टू द लास्ट वन। तो यहाँ पे बाकी जो बॉटल का पोर्शन था उसको मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसको बहुत अच्छे से जेसो का एक कोट देना है, बिकॉज प्लास्टिक है तो इसके ऊपर डायरेक्टली आप पेंट नहीं कीजिए, अगर पेंट करेंगे बाद में पेंट निकल सकता है। तो इसलिए जेसो का एक कोट अप्लाई करें एंड उसको बहुत अच्छे से ड्राई होने दें। जब ये ड्राई हो गया है तो इसके ऊपर मैंने एक इस तरह से गर्ल का इमेज बना लिया है एंड उसको मैं डायरेक्टली पेंट करूँगी यूजिंग एक्रिलिक पेंट्स। तो ये बहुत ही सिंपल मैं रखूँगी, लाइक इसका मेन इंटेंशन पेंटिंग नहीं था, पेंटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लांटर, बट इसमें ज़्यादातर मैंने एमसिल या फेविक्रिल के मोल्डिट का यूज़ किया है। तो इस तरह के प्लांटर्स आप बहुत ही क्विकली एंड बहुत ही इजीली बना सकते हैं, आपके घर में तुरंत ही एक क्वर्की काइंड ऑफ एक लुक देगा एक प्लांट को, एंड बहुत ही बजट फ्रेंडली है बिकॉज मोस्टली वेस्ट मटेरियल से ही आप ये सारे प्लांटर्स बना रहे हो। तो यहाँ पे आप कलर्स अकॉर्डिंग टू योर थीम रख सकते हो। यहाँ पे मैं इसको काफ़ी बोल्ड एंड ब्राइट बनाने वाली हूँ, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको रखा है। एंड बाकी जितने भी पोर्शन है यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ब्लू ही रखा है, मैं इसमें कोई भी पेंट नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैं इसके ऊपर कुछ ऐड करूँगी, लाइक ये जो बाकी वाला हाफ ऑफ द फेस है यहाँ पे मैं कुछ फ्लावर्स ऐड करने वाली हूँ। तो आप चाहो तो आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो आप मोल्डेड क्ले से भी फ्लावर्स कटिंग्स इस तरह से बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं फिर भी आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इसमें मोल्डेड क्ले का यूज़ कर रहे हो तो आप इसको तभी बनाएं एंड जब वो वेट रहे तभी आप उसको पेस्ट कीजिए, सो दैट इसका लुक और थोड़ा अच्छा निकल के आएगा एंड बहुत ईजिली पेस्ट भी वो हो। एक लाइक भी कर देना इस चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।